राधे राधे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई फाइनली टाटा ने वो कर दिखाया जो अभी तक इंडिया ने किसी ने नहीं किया था। टाटा का टियागो ट्विन सिलेंडर के साथ, एएमटी के साथ सब कुछ अवेलेबल है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली को जो चाहिए ना कार में, वो सब कुछ अवेलेबल है। भाई को एएमटी भी मिल रहा है, सीएनजी भी मिल रहा है, माइलेज भी बचत, चलने भी अच्छा, भाई सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं कौन सा बेस वेरियंट आपके लिए बेटर है या उसके अपर वेरियंट आपके लिए बेटर है। सबसे पहले देखते हैं प्राइसिंग क्या है। ये देखो, हमने यहाँ टाटा वेबसाइट पर इसका प्राइस चेक किया, सीएनजी सेलेक्ट कर लिया, एएमटी सेलेक्ट कर लिया एंड लगा दिया फिल्टर। अब फिल्टर लगाने के बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, ये तो चलो डुअल टोन है, मतलब तीन ही ऑप्शन है आपके पास। एक्स टी ए मतलब एक्स टी ऑटोमेटिक सी एन जी, एक्स जेड ऑटोमेटिक सी एन जी एंड एक्स जेड ए एन आर जी। ठीक है, तो मेन जो फोकस है इन दोनों पे ही है। ठीक है, अब देखो भाई प्राइस क्या है इसका। 789 मतलब 7,90,000 रुपये है। इसका 7,79 मतलब 8,80,000 रुपये है। तो दोनों में आप एक एक लाख रुपये ये पकड़ लो, इसका रोड टैक्स इंश्योरेंस वगैरह, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, एक्स टी ए एंड एक्स जेड ए के बीच में, वो है 80-90 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। मतलब आप लाख रुपये का डिफरेंस पकड़ लो ऑन रोड आते आते। ठीक है, तो अब देखते हैं इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। ये इसका बेस वेरियंट हो गया, ये इसका टॉप वेरियंट हो गया, मतलब दो ही वेरियंट में ऑटोमेटिक अवेलेबल है। ठीक है, तो भाई ये अपना एक्स टी सी एन जी और ये है एक्स जेड सी एन जी। दोनों के बीच में जो डिफरेंस ऑलमोस्ट ऑन रोड आता है, आपको 1 लाख का डिफरेंस पड़ ही जाएगा। तो यहाँ इसका स्पेसिफिकेशन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ ए टू जेड हर चीज़ सेम है। फीचर्स चेक कर लेते हैं, डिफरेंसेस को हटा देते हैं एंड यहाँ आप देखो कि आपको क्या क्या डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे एक्सटीरियर डोर हैंडल्स क्रोम के मिल जाते हैं, फ्रंट ग्रिल क्रोम के मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाता है, एलईडी डीएलएस मिल जाता है, फॉग लैम्प मिल जाता है। ठीक है, इंटीरियर की बात कर लो तो यहाँ पे क्रोम 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 क्रोम, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में की बात करूँ तो यहाँ फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरबीएम मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाता है, इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल जाता है, कूल ग्लव्स बॉक्स मिल जाता है, उसके बाद रेन सेंसिंग वाइपर वाशर ये सब कुछ मिल जाता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर यहाँ मिलते हैं, बट यहाँ इसलिए नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पे कैमरा मिल जाता है आपको। ठीक है, इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको यहाँ सब कुछ मिलता है, यहाँ पे माइक्रोफोन वगैरह भी एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाता है। तो अगर मेरे हिसाब से देखोगे ना, अगर आपके पास पैसा है तो गो विथ एक्स जेड ए। ठीक है, एक्स जेड के साथ आप जा सकते हो क्योंकि 80-90 हज़ार में आपको हर चीज़ फीचर मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप ये भी ले सकते हो क्योंकि इसमें भी आपको वो हर एक फीचर मिल जाता है जो आपको चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगेगा गाड़ी खरीदने के बाद ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे मतलब कुछ मिसिंग नहीं लगेगा। बेसिक सारे फीचर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये, अगर आप एक्स जेड ए लेते हो, तो आप लॉन्ग टर्म में आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मेरा एप्पल कार प्ले नहीं चल रहा, गूगल मैप नहीं चल रहा है मेरे सिस्टम में, मुझे सिस्टम बाहर से लगवाना है, मुझे ये छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये भी लेते हो एक्स टी ए भी, तो एकदम वैल्यू फॉर मनी है। अब मैं इन दोनों के बीच में वैल्यू फॉर मनी का सिंपल सिंपल बात कर लूँ तो भाई एक्स टी ए ही वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि 70 हज़ार रुपये जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन आप कंपनी से ले रहे हो तो भाई 70-80 हज़ार 90 हज़ार चलता है, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें जो आप बाहर से लगवा भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक ए सी कंट्रोल आप बाहर से नहीं लगवा सकते, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ होता है कि आप बाहर से लगवा भी नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी आपको जो चाहिए वो मिल रहा है मतलब बजट में, तो आप एक्स टी ए ही ले लो क्योंकि उसमें बेसिक सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो क्या इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।